हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि सर हमें बहुत कमज़ोरी है या फिर हमें बॉडी बनानी है या हमारे हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए या तो हमें कैप्सूल लिख दीजिए या हमें टैबलेट दे दीजिए या फिर हमें कोई सीरप दे दीजिए। बट जब हम उनकी हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता ये चलता है कि वो खाना सिर्फ दो बार खाते हैं या कभी कभी सिर्फ दिन में एक ही बार खाना खा पाते हैं। तो फॉर यू क्वाइन इन्फॉर्मेशन यू ऑल कि जो भी विटामिन्स की टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं या फिर जो ताकत के सीरप्स होते हैं, उनकी एक समय सीमा और एक मेडिकल कंडीशन के अंतर्गत वो दिए जाते हैं। नॉर्मली जनरली वो किसी को नहीं दिए जाते। अगर ऐसा होता तो लोग खाने की जगह उन्हीं को इस्तेमाल कर लेते। तो हर तरीके की कमजोरी को दूर करने के लिए कैप्सूल, सीरप या टैबलेट्स नहीं काम कर सकती। इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगी वो आपका खाना है और समय पर खाना। सेम सिचुएशन प्रोटीन लेने वालों के लिए भी है। वो लोग जितना विश्वास डब्बे वाले प्रोटीन पर करते हैं उतना विश्वास नेचुरल चीज़ों पर नहीं करते और उनको लगता है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट उनसे पूरी नहीं हो पाएगी। जबकि देखा जाए जितना पैसा वो एक डब्बे पर खर्च करते हैं उतना ही पैसा अगर कैलकुलेट करके जो नेचुरल चीज़ें अगर उस पर खर्च करें तो आई थिंक सो कि लमसम उतना ही खर्चा बैठेगा और उतने में जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो पूरी की जा सकती है। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको। थोड़ी सी समझदारी से आप होने वाले नुकसानों से भी बच सकते हैं। तो याद रखिए जो क्लोन चीजें हैं उनमें लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए हेल्थ बेनिफिट नहीं है। हेल्थ बेनिफिट हमारे डेली के खाने में ही है, लेकिन उसको हमें समय पर लेना चाहिए और थोड़ी सी डाइट को थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है मल्टीपल चीजों को उसमें जोड़ के। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि जो भी क्लोन चीजें हैं यानी जो इस तरीके के कैप्सूल, टैबलेट्स या फिर सीरप में है, उनकी एक कंडीशन और एक समय सीमा होती है जो कि मेडिकल कंडीशन के अंतर्गत उनको कुछ समय के लिए दिया जाता है। हमेशा के लिए नहीं, खाना ही इंपॉर्टेंट है। अब ये डिसीजन आपका है, आप किस पर विश्वास करेंगे मुझे बताना था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।